हेलो। तो पहले आ जाओ, वेलकम है सबका। क्या वेलकम, कोई आया था नहीं अभी, जस्ट स्टार्ट ही हुई है लाइव चैट। रुक जाओ, जब आ जाओगे तब तब के लिए वेलकम है, मतलब एडवांस में वेलकम। तो आदित्य शीतल कह रहे हैं हेलो। हेलो आदित्य शीतल, उसने वेव भी किया तो मैं वेव बैक भी कर सकता हूँ। यो कोमल परमार, हेलो शिल्पा कोमल परमार, अदर्स ज्वाइंड। हाय निशा जेपी, हाय रिंग्स विश्वास, हेलो शहजादी, वेरी हाय मैंडी। मैंडी वाह, बताओ अभी मैंडी याद है। सलोनी राय ऑफिशियल, हाय सलोनी, हाय फैजा खान, हाय भारती शर्मा। निशा जेपी, आज की अपडेट क्या है? बस यही बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ। और आकाशवाणी, आकाश विनी, अरे यार आकाश विनी आपका नाम है, मेरे को लगा आकाशवाणी, कोई बढ़िया नाम होता है ना। तो हाय आकाश विनी, हाय अखी 5894, हेलो संजू। वाह यार टॉप लाइव चली गई अपनी, वे टॉप लाइव पे अपन, क्या बात है। ताजोशी एशी, हाय निशांत गुप्ता, इट्स मी नीतू राठौर, हेलो। हाय शहजादी 09, मन्नू 3734, मेरे को पता था आप आओगे। अच्छा ऐसे कैसे, मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं आऊंगा आज लाइव, क्योंकि मैं सोच रहा था वही वीडियो बनाकर अपन वहीं का अपडेट नंबर 3 देते हैं, डेली अपडेट नंबर 3 देते हैं। पर फिर मैंने सोचा नहीं, आज आज थोड़ा कुछ अलग करते हैं। 2 दिन से मैं वीडियो बनाकर अपडेट दे रहा हूँ, आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है अभी इस अपडेट में। निशांत गुप्ता कह रहे भाई कभी डेली भी आ जाओ प्लीज। यार दिल्ली में अभी गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ मुंबई में कोई खास तो मतलब वैसा है नहीं माहौल, यहाँ भी तगड़ी गर्मी है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम में आता हूँ, काम होगा तो आऊंगा, अभी काम नहीं पड़ रहा वहां पे। ओमू कह रहे हेलो। हेलो ओमू, मस्त नाम है तेरा भाई। हीता जोसे कह रहे हाय, हाय हीता जोसे, मेरी जान की पिकासो। हाय निक्की जाट ने हंसने वाला स्माइली भेजा है, MNV कटियाल ने भी वही भेजा है। मानू कह रहे हाय बोलो ना मेरे को। हाय मानू 7:10:15। यशा बख्शी कह रहे हैं यस कम टू दिल्ली। दीपक कह रहे दिल्ली का मौसम सेक्सी अभी भाई। अरे कालरा इस योर बॉय कालरा, भाई साहब बताओ तू है ना, तू यहाँ पे नहीं है क्या मुंबई में, मतलब है दीपक। तैता वसुम ने मस्त स्माइली भेजा है, हाय गुकी बाबा भाई, गुकी बाबा गुची बाबा। यार मैं क्या अब यूज नहीं करता ना गुची गुची, क्या अपने बस के बाहर की चीजें, तो अपन क्या गुकी कहते हैं गलती से, गुकी। वाह जैनब जाकी, यार हम भी कभी हेलो बोल दो। हाय जैनब जैकी, आई एम संदीप सोनवाने कह रहे हैं कम ब्रो इंदौर। नहीं ब्रो अभी तो मैं अपन क्या मुंबई में बहुत हैप्पी, और मुंबई में अभी अपना कुछ काम चल रहा है। वो काम क्या चल रहा है अपना, वहीं का वीडियो आने वाला है, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ ऑलरेडी, अपना नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग है वहीं, और उसमें दीपक कालरा ने फीचर किया है। दीपक कालरा उसमें ने उसमें फीचर किया है, नीति फनानी ने उसमें फीचर किया है, और बहुत मस्त वैभव पानी ने उसका पूरा ट्रैक प्रोग्राम किया है। तो मस्त अपना ये गाना आने वाला है, पर उसकी अपडेट नंबर 3 क्या है? आप तुम सब लाइव आ चुके हो अभी यार, अपना टॉप लाइव पे भी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तो अभी शायद बहुत सारे नए व्यूअर्स भी आए होंगे, तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सबको भी हेलो है यार। और तो अपना थर्ड जो डेली अपडेट नंबर 3 है वहीं का, वो ये था कि आज मंडे है, और आज मैं तुम सबको बता चुका था कि आज फाइनल वीडियो आएगा मेरे पास में, पर सैडली वो अभी तक नहीं आया है। मैं वेट करता रहा कि अब आएगा, और वीडियो देखकर मैं तुमको फिर रिलीज डेट के बारे में सारी चीजें बता सकूंगा, पर अभी तक मेरे पास में वीडियो नहीं आया है वहीं का फाइनल। तो मैं डेली अपडेट 3 इसलिए यहीं पे, मतलब ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकती, यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी अपनी आज की अपडेट, अपन वेट करते हैं वहीं के फाइनल वीडियो आने का अपनी टीम की तरफ से। तो जैसी आएगा मैं देखूंगा, उसमें अगर चेंजेस होंगे तो करवाएंगे, नहीं होंगे तो अपन रिलीज डेट फाइनल करेंगे मिलके, तुम और मैं साथ में मिलके करेंगे जो भी करना है। देखो क्योंकि गाना मेरा नहीं है, ये अपना गाना है। मस्त आकाश सिंह कह रहे हैं सर जब कॉलेज टाइम पर आपने म्यूजिक सीखा था। मेरे भाई मैंने बिल्कुल सीखा था, थोड़े टाइम सीखा था मैंने, मेरे गुरुजी थे ताले गांवकर जी, उनसे सीखा था मैंने, मेरे नाना जी से सीखा था, तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी है ना, बहुत शानदार शानदार लोग मेरे को मिलते रहे, उन सबसे सीखा था मैंने, मेरे सीनियर्स से सीखा था, राहुल राहुल कोठारी भैया, खिलार पिल्लई भैया, निशांक भैया, उन सब से सीखा था। तो बहुत मस्त,
जो भी लोग मतलब उनको मिले ना, सबसे ऊपर ने सीखने की कोशिश की थी। स्वागतिका बोल रही हाय तो बोल दो, अभी आपका कमेंट देखा इसलिए हाय स्वागतिका। जूही ठाकुर राजपूत कह रही हेलो हेलो जूही। हुकुम कह रहे सो स्वीट स्माइल, थैंक यू यार। विनी कह रही है हे भैया बहुत प्यार आपके लिए, थैंक यू यार। पीयूष कह रही है डू यू मिस हनी भैया, बिल्कुल यार बहुत ज्यादा मिस करता हूँ उनको, और बहुत प्यारे आदमी यार हनी भैया, और आई विश उनसे जल्दी वापस से मिलूं और उनको खूब सारे गाने सुनाऊंगा, और बहुत प्यारे आदमी यार हनी भैया, बहुत प्यारे, वो दिल से राजा है मतलब। और आयुषी रन सिंह कह रहे हैं या है आयुषी। नित निधि कह रहे मुझे कभी रिप्लाई कर दो प्लीज, एक बार हाय बोल दो। हाय नित निधि, हाय साक्षी रात सक्सेना, हेलो डॉली बी एच, हे आर्य सुनी, हे फरीदा बेगम, मोस्टली इनसेनिश, हाय मोस्टली सेन तो जानते हैं हम सब, मोस्टली इनसेनिश भी मस्त नाम है आपका। सुपरमैन श्री कप के गा दो एक बार। के रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तुम, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है। पर कपकेक तो अपन गाते रहते हैं, लेकिन अब जो अपना नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है उसका नाम है वहीं, तो वहीं वहीं का अपन वेट करते हैं। और लेट्स सी यार, ये बहुत प्यार से गाना बनाया है, जितने बहुत सारे लोगों को जो इनको मैंने सुना ना, उनको अभी तक का अपना सबसे बेस्ट सॉन्ग लगा वहीं, तो आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आए। तो मेरे को तो ना बस मेनली अपडेट देनी थी, और ना मैं सोच रहा था मैं फिर सोने जाऊंगा, अब से मैंने ना जल्दी सोना शुरू कर दिया है बहुत टाइम से, एक हफ्ते से अपन रेगुलर अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो जल्दी सोना जल्दी उठना नियम बहुत ही अच्छा है, जो भी इसका पालन करता है वो शानदार बच्चा है। तो आशीष क्रो ऑफिशियल कह रहे गलत फहमिया प्लीज। कुछ हाल था दिल का बुरा, कुछ हो गई दूरियां, ना बस कर गई हमको जुदा, गलत फहमिया गलत फहमिया। तो ऐसे करके गलत फहमिया यार, लेकिन अभी अभी वहीं के बारे में बातें करो कुछ, वहीं के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, और फिर रहना जैसा कि मैंने तुमको बताया मैं जाऊंगा सोने यार, मस्त तुम भी जल्दी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सौरव कह रहे वहीं की एक लाइन लाइन का ट्रेलर काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल सौरव। तो वहीं की मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ ऐसी की, जो मेन लाइन है उसकी, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, जिस जगह तू होता है, जहाँ कंधे पे मेरे सर के सोता है, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही। वही का ऐसे है यार सॉन्ग अपना, पापे बैठ कर लव यू टू यार। और है ना, मुझे तुम सबको एक बात और बतानी थी, मैंने ना लास्ट अपडेट में तुम सबको बताया था कि अपन अब से वहीं का जो स्टोरी सॉन्ग है, मतलब वहीं से पहले जो पोएट्री होती है वो अपन वीडियो में इंक्लूड करेंगे स्टोरी सॉन्ग, लेकिन जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स होंगे iTunes, सावन, हंगामा, विंक, उन सब पे अपन सिर्फ और सिर्फ विदाउट पोएट्री वाला ऑडियो रखेंगे। तो इसका एक रीजन है, और वो रीजन मैं आपको अब लाइव चैट में बता सकता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो NRS ऑप्टिमिस्टिक है, बता बता हाँ बता रहा हूँ भाई, तो NRS तो ना भाई है यार,
बहुत पहले का भाई है अपना, मतलब बचपन ही मान लो, कॉलेज के टाइम का, 6-7 साल हो गए। हाँ तो फिर कैसा है मैं तुमको बताता हूँ, इसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि अच्छा ये ना, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बात, एक्चुअली मैं नहीं पता, और ये आज मैं रिवील करने वाला हूँ। रिवील क्या मतलब, सच बात है यार ये, मतलब मैं जैसा मतलब इंडियाज रॉक स्टार में दिखाया था ना कि मतलब मैं स्टोरी टेलर हूँ और मैं हर गाने से पहले स्टोरी बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब मैं नहीं था ऐसा, सच बात है ये, मैं कोई स्टोरी टेलर वगैरह नहीं था कभी भी, और मैं तो बस गाने बनाता था। और लेकिन मेरा हर गाने से पहले एक स्टोरी हुआ करती थी, मतलब हर गाने मैं गाना ही तभी किसी पर बना पाता था जब मैं किसी इंसान से किसी इंसान की किसी बात से और इंस्पायर होता था, तो मैं तब कोई गाना उस पर बना पाता था, उस इंसान पर या उस इंसान की किसी बात पर या जो भी मुझे लगता था। तो हर गाने के पीछे एक स्टोरी होती थी और हमेशा मैं वो गाने की स्टोरी बोलता था कि मैंने कपकेक बनाया तो है ना, कपकेक मेरी है ना एक दोस्त थी आयुषी और मुझे उस पर क्रश था और मैंने उसका नाम कपकेक रखा। तो हर गाने के पीछे एक स्टोरी होती थी, एक ओरिजिनल स्टोरी होती थी। लेकिन मैं कभी भी मतलब रॉ स्टार में आने से पहले जब भी मैंने इमेजिन किया था ना मेरे सॉन्ग्स को, कि मैं मेरे सॉन्ग्स में मतलब दुनिया को सुनाऊंगा, जब लोग गाएंगे उसको, उनको गुनगुनाएंगे, उनको पसंद करेंगे या उनको सुनेंगे तो कैसा होगा, तो मैंने हमेशा सोचा था वो ऐसा होगा कि सिर्फ गाना होगा और जब मैं लाइव परफॉर्म करूंगा कभी स्टेज पे तो मैं लोगों को उसकी स्टोरी बताऊंगा। पर जब रॉ स्टार में आए ना तो उनको मेरा ये मतलब बोलने वाला तरीका अच्छा लगा। और जो मेरे रॉ स्टार में गुरुजी थे हम सबके, नागेंद्र दुबे सर, तो नागेंद्र सर ने मुझे सबसे पहले कहा था कि मोहित तू ना गाने से पहले तू लाखों निगाह में गा तो रहा है पर इसमें ना तू शुरुआत में जैसे तू बोलता है ना तेरे अंदाज में कोई स्टोरी बोल तो कुछ यूनिक हो जाएगा। और वहां से अपना मतलब स्टोरी टेलिंग जो है ना प्रॉपर, की हर गाने से पहले एक स्टोरी अपन बोलते हैं, वो फंडा चालू हुआ। नहीं तो उससे पहले मैं सिर्फ मतलब जब मैं मतलब ऐसे लोगों को सामने टू सामने बैठकर मेरे ओरिजिनल सॉन्ग सुनाता ना तो मैं उनकी स्टोरी बताता था। और मेरे अर्चित भैया ऐसा करते थे तो मैं उनसे सीख सीख के, और कि यार इस तरह से स्टोरी बताते तो और अच्छा लगता है और इम्पैक्टफुल होता है ऑडियंस से। जब आप लाइव आप सुना रहे हो तो सबकी आंखों में देख देख कर अगर आप सुनाओगे, अगर कम लोग हैं तो सबकी आंखों में आईज मतलब क्या था ना वो आई टू आई कनेक्शन अगर आप करके आप स्टोरी बताते हो या कुछ आप बात बोलते हो तो उसका असर बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो ये उनसे मैंने परफॉर्मर बनने की बहुत सारी स्किल्स सीखी मैंने अर्चित भैया से। लेकिन हाँ मैं कोई स्टोरी टेलर ऐसा नहीं था पहले से कि मैं मतलब हर गाने से पहले एक पोएट्री होती है या मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये तो रॉ स्टार में नागेंद्र सर ने मुझे ऐसा बोला कि ऐसा कर तू हर गाने से पहले, तो अपना ये मतलब एक एक ट्रेंड बन गया। लेकिन मेरी हमेशा से दिल से तो ये इच्छा थी कि मतलब जो अपने गाने हैं ना वो गानों की तरह ही आए, उनसे पहले मैं लाइव जब लोगों को सुनाऊं मेरे गाने तो मैं उसकी स्टोरी बताऊं, पर वैसे नहीं। तो अभी है ना क्या हुआ, तो अब वो ट्रेंड जो रॉस्टार में किया था वो सबको पसंद आने लग गया, वो कुछ यूनिक था, कुछ अलग सा था, तो है ना फिर उसको कंटिन्यू रखा मैंने और फिर आप सबको पसंद भी आया। तो यार लेकिन मेरी दिल की इच्छा तो रह गई ना कि मतलब मेरे को हमेशा से इच्छा थी कि मैं स्टोरी बताऊं, लेकिन मैं गाने से पहले गाने का पार्ट ना हो, वो अलग से मैं स्टोरी बताऊं सबको मेरी कि गाना बनाए तो क्यों बनाए, लेकिन वो गाना गाने की तरह ही जाए, क्योंकि वो फिर क्या है आप बार बार सुन सकते हो। मैं खुद ना कई बार मेरे जो गाने हैं ना वो जब स्टोरी के साथ में तो बार बार नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि बार बार कौन सेम स्टोरी को सुनेगा। एक बार स्टोरी पता चल गई कि हाँ भाई ये स्टोरी है, अब इसको बार बार लूप पे कौन सुने। लूप पे सुनने वाली चीज तो वो गाना होता है जो शुरुआत से ही आपको मतलब यू नो एकदम अंदर बहा ले जाता है। कोशिश भी हम कर रहे थे कि स्टोरी भी इसी तरह की कुछ हो जो एकदम कनेक्टिव से हो तो उसको भी लूप पे सुना जा सके, पर मेरा दिल नहीं मानता ये। मेरा दिल तो हमेशा से ही कहता था जब से मैंने गाने बनाना शुरू किया कि मैं तो गाने की तरह दूंगा लेकिन गाने की स्टोरी जरूर बताऊंगा सबको, क्योंकि हर गाने के पीछे एक स्टोरी जरूर है अपनी यार, क्योंकि वो गाना बना ही किसी से इंस्पायर होकर या किसी चीज से इंस्पायर होकर, किसी इंसान से इंस्पायर होकर है। तो हाँ ऐसी बात है। अब अच्छा मैंने बोल दिया, मैंने दिल की भड़ास निकाल दी, मैंने देखा भी नहीं आप सबने क्या कमेंट किया, क्या गाली दी, क्या प्यार दिया, लेकिन हाँ ऐसा है बात, तो मैंने अपनी बात कह दी। अब आप बताइए और बताओ। कुशागर कुमार ऑफिशियल कह रहे एग्जैक्टली, मिस्टी जैन कसल ने बहुत प्यारा सा एक वो दिया है। ठाकुर जय कह रहे हाय। मनु कह रहे कितना टाइम लगेगा वहीं आने में यार। बस यार अभी कोशिश जल्दी से जल्दी करने की,
रघुवान आदर्शन कह रहे हैं भाई सिंगिंग लेसंस भी अपलोड करो ना भाई, मेरे को गाना इतना अच्छा आता तो मैं पक्का करता, मेरे को मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो, और आई होप एक दिन इस लायक बन जाऊँ कि शायद सिंगिंग सिखा सकूँ लोगों को, लेकिन अभी अभी नहीं कर सकता। हिमाली भागदेव ने प्यार का प्यार वाला साइन दिया। ज्योति 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 स्वीट बोल रही हाय, हाय ज्योति स्वीट, हाय शुभु 312। वानी कह रही कपकेक एक लाइन। तिवारी अमन कह रहे मूछो के पीछे का राज, मूछो को पीछे का राज है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना आकर्ष, वो है ना बढ़िया मूछे रखता है, बहुत बड़ी बड़ी बहुत शानदार आती है उसकी मूछे। तो एक दिन उसने मेरे को कहा कि है ना भाई तू भी मूछे और दाढ़ी रख, तेरे पर ना एक बार मेरे को देखनी कैसा लगेगा तू। तो है ना मैंने रखना शुरू किया और मेरे को भी पसंद आ गई दाढ़ी और मूछे बियर्ड ये जो स्टाइल होता है, तो तब से अपने फिर रखना शुरू कर दी। लेकिन इंस्पिरेशन तो आकर्ष बवेजा ही था, उसकी मूछे देखना तुम, उसके जैसे कहते ना नथुला मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वैसे मैं कहता हूँ मूछे हो तो आकर्ष बवेजा जैसी। तो रश्मि मोदी ने प्यार भरा साइन की दिया। अंकित शर्मा हेलो कपकेक एक लाइन। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है। अब अच्छे से सुना पाया मैं। मनु कह रहे ना आपके जैसी इस पारो। अरे यार चार्ली, तो अब ना मैं जाता हूँ यार सोने, और जैसे मैंने तुमको बताया मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वापस से, तो जल्दी सोना है और फिर कल जल्दी उठना है, मस्त ध्यान करना है, मेडिटेट करना है और सूर्य नमस्कार करना है मस्त। अरे यार तुमको बताओ ना, देखो यार तुम कोई चीज मानो ना मानो, एक बार ना मेडिटेशन लाइफ में तुम करना शुरू कर दो भाई साहब, मतलब जो मजे है ना लाइफ के, मतलब बहुत शानदार मजे है फिर मेडिटेशन करे बात तो। तो अविश्वा कचारिया प्यार भरा साइन। राज फोर कह रहे हैं आप अभी भी दर्शन रावल के फ्रेंड हैं सर। बिल्कुल राज भाई, हम सब दोस्त हैं, जितने भी हम रॉकस्टार के हैं ना, बहुत पुरानी दोस्ती है और ये जिंदगी भर चलेगी। सेल्फिश केडी हंसने का साइन। हाँ तो अब ना ठीक है अपन जाते हैं और फिर से जरूर मिलते हैं। तो ये थी वहीं की अपडेट नंबर 3 कि आज अपन वीडियो का वेट करते रहे और करते रहे, और लेट्स सी कल अगर वीडियो आ जाता है अपने पास में तो अपन अपडेट नंबर 4 वहीं की देंगे, और जल्दी आपको रिलीज डेट बताऊंगा मैं, और मस्त वहीं सुनेंगे फिर साथ में अपन गाएंगे भी। गाओगे ना? गा लेना यार, नहीं गाओ तो सुन लेना, गाओगे तो और अच्छा लगेगा यार, मेरे दिल की इच्छा है मतलब अपने गाने सब लोग गाए, इसी वजह से मैंने मतलब है मतलब इच्छा है मेरी। चलो अब बस अब मैं जाता हूँ, बाय गुड नाइट यार, टेक केयर एंड आई लव यू।